खबर शामिल करते हैं डारियावाला से। नुमाइंदा मशरे गुलाम मुश्तबा कम्बो के मुताबिक थाना डारियावाला में तैनात होने वाले नए SHO अफजल बाबर खोखर की खसूसी दावत पर सिटी प्रेस क्लब डारियावाला के उद्देदारान और मेम्बरान का थाना डारियावाला का दौरा। इस मौके पर अफजल बाबर खोखर ने सिटी प्रेस क्लब डारियावाला को दिए गए अपने बयान में कहा कि ईद उल फितर के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है, पुलिस अमन व अमान का कयाम यकीनी बनाएगी। कोरोना वायरस के पेश नज़र नमाजी ईद के इजमात SOPs के तहत होंगे। उनका मजीद ये कहना था कि थाना डारियावाला में चिट्टी दलालों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद होगा, जबकि अवाम के लिए थाने के दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। थाने में सियासी मुदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईद उल फितर के बाद जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाएगा। इलाके को जराइम से पाक करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद अफजल खोखर है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले प्रेस क्लब के मेम्बरान का कि वो मेरे पास तशरीफ़ लाए और मेरे DPO साहब ने मेरे ऊपर एतमाद किया और मुझे हरूनाबाद से डारियावाला तैनात किया। जो हमारे IG साहब, RPO साहब और DPO साहब की पॉलिसी है, इंशाल्लाह उसके ऊपर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। आवाम की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए इंशाल्लाह ताला कोई कसर बाकी रहने नहीं दी जाएगी और जो जराइम पेशा लोग हैं इंशाल्लाह ताला उनका घेरा तंग किया जाएगा। मौजूदा हालात के तहत कोरोना वायरस के हवाले से जो SOPs गवर्नमेंट की हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाया जा रहा है, जैसे कि मसाजिद, दीगर जो इतमाद होते हैं वहाँ पर, इसी तरह से बाज़ारों के अंदर जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने जो इजाज़त दी है वो भी SOP के मुताबिक उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जा रहा है। और मज़ीद ये है कि अभी जुम्मतुल विदा आ रहा है, उसके हवाले से जनाब DPO साहब ने एक खसूसी तौर पर जो अहकाम सादर फरमाए हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा और इसी तरह से आवाम के तामन की से और साफियों के दोस्तों के हवाले से कि आप लोग भी अवेयरनेस पैदा करेंगे लोगों के अंदर और इस तरह से हम ईद के इवेंट के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला मिलजुल कर SOP के मुताबिक अमल दरामद करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।